हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी गुरु। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एम्स में सीट मैट्रिक्स के बारे में, क्या है सारे एम्स 15 एम्स में कितनी सीटें कैटेगरी वाइज, इसके बारे में बात की थी। आज के वीडियो बेसिकली एम्स में नंबर वन एम्स इंस्टीट्यूट एम्स न्यू दिल्ली की बात करते हैं। और इवन 2019 में दो ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने मेरे सब्सक्राइबर थे और उनका एम्स न्यू दिल्ली में एडमिशन हुआ था, और दो तीन सब्सक्राइबर ऐसे भी थे जिन्होंने एम्स रायबरेली और एम्स देवगढ़ को छोड़ा था क्योंकि उनका मकसद था कि उन्हें टॉप एम्स इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन लेना है। उन्होंने ड्रॉप किया, वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें एम्स न्यू दिल्ली में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या स्कोर रहेगा, क्या ऑल इंडिया रैंक रहेगी, क्या परसेंटाइल रहेगा, इसके बारे में डिटेल में बात होगी दोस्तों कैटेगरी वाइज। उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जहाँ तक एम्स न्यू दिल्ली की बात है, एम्स न्यू दिल्ली में 107 सीट्स हैं जिसमें 51 सीट्स आपकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए होती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ एससी एसटी और ओबीसी की भी सीट डिस्ट्रीब्यूट रहती है रिजर्वेशन वाइज। तो आज चलिए बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड रैंक रहती है आपकी और क्या एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आपको लाना पड़ेगा अगर एम्स न्यू दिल्ली में एडमिशन लेना है। जनरल कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया रैंक 50 मींस अगर 50 रैंक है आपकी ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि टॉप 50 कैंडिडेट्स लगभग सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और इसमें राउंड वन में ही सारी सीटें एम्स न्यू दिल्ली की फिल हो जाती है। राउंड टू में चांसेस नहीं रहते कि कोई भी सीट वैकेंट हो। कैटेगरी रैंक 50 और परसेंटाइल आपका 99.986993 मींस लगभग 99.98 के करीब परसेंटाइल आपका जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए। ओबीसी के लिए ऑल इंडिया रैंक लगभग 234, कैटेगरी रैंक 34 मींस ओबीसी कैटेगरी में आपको 34 रैंक लानी पड़ेगी और परसेंटाइल 99.93 समथिंग। एससी कैंडिडेट्स के लिए ऑल इंडिया रैंक 1137, कैटेगरी रैंक 14 और जो परसेंटाइल है वो 99.66। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 3031 मींस ऑल इंडिया रैंक 3031, कैटेगरी रैंक 8 और परसेंटाइल जो है वो 99.15। इसी तरह से जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो ऑल इंडिया रैंक है वो 8116 आपकी और जो परसेंटाइल है वो 97.63। ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो ऑल इंडिया रैंक है वो 9033 है और जो कैटेगरी रैंक है ओबीसी कैटेगरी रैंक वो 2918 है और इसके अलावा परसेंटाइल है 97.37। एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो ऑल इंडिया रैंक होती है वो 39761, कैटेगरी रैंक 1344 और जो परसेंटाइल है वो 88.35। दोस्तों, ये तो रहा ऑल इंडिया रैंक कितनी चाहिए, कैटेगरी वाइज रैंक कितनी आपकी होनी चाहिए एक्सपेक्टेड। इसके अलावा जो स्कोर की बात अगर मैं करूं कि आउट ऑफ 200 कितना स्कोर आपको चाहिए, तो ऑन एन एवरेज अगर आप 140 के करीब अगर जनरल कैंडिडेट्स हैं आप, तो 140 से ऊपर अगर आपने स्कोर कर लिया तो ये मान के चलिए कि एम्स न्यू दिल्ली आपको मिल सकता है। इसी तरह से ओबीसी के कैंडिडेट्स भी 132-135 अगर स्कोर कर लेते हैं तो उनको सीटें मिल जाती हैं एम्स न्यू दिल्ली में। एससी एसटी कैंडिडेट्स में 100 प्लस से ऊपर अगर आप स्कोर कर लेते हैं 110-115 के करीब, तो आपको सीटें आसानी से मिल जाती।